सबको जय सु। मरियम की दास्ता के अंतर्गत मई महीने का 11वां दिन, आज हम विशेष रूप से इस विषय पर मनन करें कि मरियम ईश्वर की माता है। सर्वप्रथम नए व्यवस्थान में हम संत एलिजाबेथ को पाते हैं जो माता मरियम को ईश्वर की माता संबोधित करती है। वह उसको पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिलती है कि माता मरिया ईश्वर की पवित्र माता है। इसलिए संत बर्नादित कहते हैं कि माता मरियम ईश्वर की माता है क्योंकि उन्होंने प्रभु येसु को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया। माता मरियम का नाम सर्वोत्तम है और उसके नाम का अर्थ हम में से कोई भी नहीं जान सकते, क्योंकि ना तो संतगण, ना ही देवदूत और ना ही हम। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हमें संत योहन के सुसमाचार में मिलता है, जहां अपनी मौत के पूर्व येसु अपने शिष्य को कहते हैं, ये तुम्हारी माता है, और माता को कहते हैं, भद्रे, ये आपका पुत्र है। उसी वक्त माता मरियम ने हम सबों को अपना लिया और वे हमारी रक्षा करती और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसी प्रकार संत योहन की भांति सभी प्राणी उसका विशेष आदर और सम्मान करते हैं, तभी से वे हमारी भी माता और प्रभु ईश्वर की माता कहलाती हैं। इसलिए हम काना के विवाह में भी देखते हैं कि माता मरियम सेवकों से कहती हैं, वह जो कुछ तुमसे कहे वैसा ही करना। इसलिए तब प्रभु येसु माता मरियम के आदेशानुसार उस परिवार में अपनी महिमा प्रकट करते हैं और सेवक वैसा ही कर उसके आदेश का पालन करते हैं। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम भी आज हमारी माता के आदेश अनुसार प्रभु येसु के आदेशों, नियमों और उसके विधान का पालन करें तथा उसके मार्गदर्शन के, उसके मुक्ति कार्य में हम सहयोग दें। तो आइए उस माता का हम अनुसरण करें जो ईश्वर की माता है, जिसने प्रभु येसु का पालन पोषण किया और जिसने पवित्र ईश्वर को अपने गर्भ में धारण किया, जो आदि और अंत है और सदा बना रहता है। उसी माता की शरण में हम सब जाएं और उससे प्रार्थना करें कि वे सदा हमारे लिए अनन्य विनय करती रहे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे पवित्र कुवारी ईश जननी माता मरिया, हम सब आपकी शरण में आते हैं, हम सबों को आपकी कृपा से भर दें। आज विशेष रूप से माता, हम सभी माताओं को आपके सम्मुख लाते हैं जिनका दर्द कोई नहीं जानता है। हे मरिया, उन सभी माताओं को आपका सांत्वना दे जो अपनी औलाद के कारण दुखी हैं, अपने बच्चों का दुख सहन नहीं कर पाती हैं। हे मरिया, उन सबों के साथ रहे और उन्हें भी सिखा कि किस प्रकार हर पल आपने ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकारते हुए उसको पूरा किया और उसके मुक्ति विधान में आपने पिता ईश्वर को सहयोग दिया। हे मरिया, उन सभी माताओं के साथ रहे और हम सबों के साथ रहे, ताकि हम भी आपकी ही भांति सदा ईश्वर का इच्छा को जानते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और दूसरे बहुत से लोगों के लिए अनुग्रह और कृपा का कारण बन सकें। यह प्रार्थना हम हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन।